हेलो एवरीवन, वेलकम टू माँ दुर्गा एकेडमी। जैसे कि हम मॉक टेस्ट 1 कर चुके हैं, आज हम मॉक टेस्ट 2 करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में हरियाणा के गुरुग्राम में हीरो महिला इंडियन ओपन किसने जीता? ये जीता क्रिस्टीन वुल्फ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है, मतलब ये बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। कौन सा है? ये है, ये वाला 1 GB इज इक्वल टू किसके होता है 1, मतलब कि ये क्या होता है हमारे पास, ये यहाँ पे रोंग है। अब इनका ऑर्डर देखेंगे कौन सी यूनिट किसके बराबर है, सारी देखेंगे और ये हमें लर्न करनी है। एग्ज़ाम में किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। 4 बिट होता है 1 निबल के इक्वल, 8 बिट 1 बाइट के, 1024 बाइट 1 KB के, 1024 KB 1 MB, 1024 MB 1 GB एज इट इज़, ये सारे हमें लर्न करने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित मामलों पर विचार करें। इनमें से ये बताना है कि संविधान की प्रस्तावना से जो जो संबंधित हैं, तो वे कौन कौन से हैं। ये हैं फर्स्ट और सेकंड, मीन्स ये बरूबारी केस और केशवानंद भारती केस। बरूबारी केस में क्या था, इसमें क्या था, ये कब आया था, ये 1960 में आया था। और इसमें क्या कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। उसके बाद कौन सा आया, 1973 में केशवानंद भारती केस। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई परियोजना के बारे में निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए कि इनमें से कौन सा सही तरीके से नहीं मिलाया गया है, ये बताना है हमने। अब देखो आप कौन सा नहीं मिलाया गया है, ये है फर्स्ट और सेकंड, इनका मिलान जो है वो गलत है। अब हम देखते हैं कि इनका सही मिलान, जो पोचम्पाद परियोजना है ये कहाँ पे है, ये गोदावरी नदी पर है, और कौन से राज्य में है, ये तेलंगाना में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, तेलंगाना में। और जो गंडक परियोजना है ये गंडक नदी पे है, कहाँ पे है, गंडक नदी पे, और कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। और ये जो काकड़ा पारा परियोजना है ये तापी नदी पर है और गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजफगढ़ नाला दिल्ली में हरियाणा की डैश नदी को दिया गया एक अन्य नाम है, कौन सी नदी का अन्य नाम है, ये साहिबी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की एक महिला खिलाड़ी कविता देवी इनमें से किस खेल से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, यह कुश्ती से। ये क्या एक भारतीय पहलवान है जो वर्तमान में किसके लिए खेलती हैं, ये WWE के लिए खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड प्रॉम्प्ट से पाइथन को शुरू करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कमांड है, कौन सी कमांड है, ये है पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेष एंटी टैंक मिसाइल है, कौन सी है, नाग मिसाइल क्या है, यह तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स में कौन से दो देश शामिल है, कौन कौन से हैं, ये है भारत और सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय सेना का ऑपरेशन संयम किससे संबंधित है? क्या था ये? ये था पंजाब और राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा। और संयम क्या था ये? संयम किसके लिए किया गया था? ये था जो घातक कचरे को नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा बनाया गया एक अभियान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर का कौन सा अंग जापानी एंसिफिलेटिस से प्रभावित होता है? कौन सा होता है? ये होता है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIM का पूर्ण रूप क्या है? ये है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब हम कुछ और फुल फॉर्म देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे TCP, ये क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TFTP ट्रेवल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सारी हैं सीरियल वाइज, इनको लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी सुरेंद्र सिंह स्मारक जड़ी बूटी उद्यान हरियाणा के डैस जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? कहाँ पे है ये? ये है भिवानी में। और ये 45 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी स्थापना कब की गई? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ छछरौली की बगावत का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? ये किया था जोत सिंह ने। मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? ये किया गया केरल में। और केरल में कहाँ पे किया गया? केरल के कोच्चि में गोकुलम सेंटर पे। कहाँ किया गया? ठीक है, गुरुमुखी लिपि का निर्माण 16वीं शताब्दी ईस्वी में दूसरे सिख गुरु डैस द्वारा किया गया। कौन से गुरु थे? गुरु अंगद देव द्वारा। ये कौन से नंबर के गुरु थे? ये दूसरे नंबर के गुरु थे। और पहले नंबर के गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस गिवन बोलो। इनमें क्या बताना है हमने? फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा अलंकार है। द मून स्माइल्ड एट द स्टार्स अराउंड हर, तो इसमें कौन सा अलंकार होएगा? इसमें होएगा ये पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण अलंकार, जिसमें किसी के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है उसे क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होएगा? वाग प्लस एश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और सामान्य क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसे 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गठित किया गया? किसका है? UNCATD का। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिनेवा स्विट्जरलैंड।
व्यापारी के लिए जिनेवा जानलेवा होता है। किस किस का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, विश्व व्यापार संगठन का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, विश्व मौसम संगठन का और स्वास्थ्य संगठन का। व्यापारी, श्रम, मौसम, स्वास्थ्य, ये चार याद रखने हैं। इनका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य में डैश प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। किस प्रकार की पाई जाती है? सूखी पर्णपाती। हमारे पास कितने प्रकार के वन्य जीव अभयारण्य है? हमारे पास 8 प्रकार के वन्य जीव अभयारण्य है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वो क्या है? फर्स्ट है क्लेसर वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। और कब बनाया गया? 13 जनवरी 2000 को। सेकंड है वीर सिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है? पंचकुला में। कब बनाया गया? 29 मई 1987 को। थर्ड है खोल ही रतान वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ पे है? ये है पंचकुला में, ठीक है। और कब बनाया गया? 7 सितंबर 2007 को। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कब बनाया गया? 28 नवंबर 1986 को। फिफ्थ है नाहर वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है? रेवाड़ी में। कब बनाया गया? 30 जनवरी 1987 को। सिक्स्थ नंबर का है अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है? सिरसा में। कब बनाया गया? 30 जनवरी 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी सेवन्थ नंबर का है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है? झज्जर में। और कब बनाया गया? 5 जुलाई 1986 को। एट्थ नंबर का है कपड़वास वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है? झज्जर में। कब बनाया गया? 30 जनवरी 1987 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हमें सही मिलान करना है कि मोहनजोदड़ो में क्या पाया जाता है, हड़प्पा में क्या है और कालीबंगन में क्या है। मोहनजोदड़ो में क्या पाया जाता है? यह विशाल स्नानगर। हड़प्पा में क्या है? पुजारी की मूर्ति। कालीबंगन में क्या है? जूते हुए खेत के निशान। और लोथल में क्या पाया जाता है? लोथल में बंदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में बलि सूत्र को शामिल किया गया है? किसमें किया गया है? यजुर्वेद में। सामवेद में क्या है? सामवेद में संगीत है। ऋग्वेद में क्या है? प्रारंभिक आर्य का विस्तार है। और अर्थवेद में जादू टोना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें कि पहले कौन सा वंश था और उसके बाद कौन सा था, फिर कौन सा था। पहले कौन सा था? ये था हर्यक वंश। उसके बाद था शिशुनाग। उसके बाद था नंद। उसके बाद था मौर्य। मीन्स ये वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने तृतीय बोध संगीति कहाँ बुलाई थी, मतलब सभा कहाँ बुलाई थी? ये बुलाई थी पाटलिपुत्र में। और पहली कहाँ बुलाई थी? ये बुलाई थी राजगृह में। दूसरी वैशाली में। और तीसरी ये पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? किस घटना से है सांड? ये है जन्म से। गृह त्याग से क्या है? गृह त्याग से है घोड़ा। और ज्ञान से है पीपल। निर्वाण से है पदचिन्ह। और मृत्यु से है स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? किसने कराया था? ये कराया था कनिष्क ने। और ये कनिष्क किस वंश का शासक था? ये कुषाण वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह नेक्स्ट क्वेश्चन सही मिलान कीजिए। जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है उसमें क्या कहा गया है, ठीक है, अब हमने ये बताना है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या कहा गया है, कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति का पृथक्करण। संसदीय शासन प्रणाली में क्या कहा गया है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच निकट का संबंध। संघीय शासन प्रणाली में क्या कहा गया है, शक्तियों का विभाजन। एकात्मक व्यवस्था में क्या कहा गया है, शक्तियों का संकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह परंपरा किस देश में विद्यमान है, वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर। ये कहाँ की है, यह है ब्रिटेन की। मीन्स क्या है इसका, कि ब्रिटेन में क्या है ये, कि अगर जो भी स्पीकर एक बार चुन लिया गया है ना, वही क्या होगा, हमेशा रहेगा, चाहे किसी की भी सरकार आए वो अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है, ये कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है, कितना अंतराल होता है, 12 घंटे 26 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम है यूरेनस। यूरेनस क्या है, आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ट्रिक बताई थी आकार के अकॉर्डिंग, और इसे यूरेनस को क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है अरुण, और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, किस में लाया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ये कब से कब थी, कि 1974 से 79 तक, और पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब थी, कब तक थी, 1951 से 56 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 टू 66, चौथी पंचवर्षीय योजना थी 69 टू 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ये है मछली पालन से। और श्वेत क्रांति किससे है, ये है दुग्ध उत्पादन से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।